આનેક પાંજરાપોળા જોરસા પ્રકલ્પ બાદી ઝોપડી સંઘ ને એમએમઆરડીએ બેન્ડ્રા કાર્યાલય કે સામને અપની માંગો કો લેકર ધરના પ્રદર્શન કિયા. ઝોપડી ધારકો કા કહેના હૈ કે 2000 ઝોપડી ધારક મેં સે 904 કી યાદી એમએમઆરડીએ ને સમાવેશ કી હૈ, લેકિન અભી ભી 1100 લોગો કો પાત્ર નહી કિયા ગયા હૈ. ઇન 1100 લોગો કો ત્વરિત પાત્ર કિયા જાય એસી ઉન્હોને માંગ રખી હૈ. અગર એમએમઆરડી ઇનકી માંગો કો નહી માનતી હૈ તો વહ આમરણ ઉપોષણ કરને કો તૈયાર હૈ. આઈએ સંદર્ભ મેં લોગો ને ક્યા કહા જાનતે હૈ. जो पूर्व मुक्त मार्ग बनाई चुंबुर का, उसमें हम लोगों का घर तोड़ा है एमएमआरडी ने. आज 7 साल से हम लोग उसका पाठ पूरा कर रहे हैं. आज देखे कल देखे इधर के अधिकारी जो एमएमआरडी के जो रिलीज जतपाल है, राठौर साहब है और जो पवार है पीडब्ल्यूडी के, ये लोगों ने उस टाइम आश्वासन दिए थे कि हम देंगे तुमको घर, और उस टाइम सबका एक ही साथ में तोड़ दिया है रूम. जो हम लोग ने फिर उनका काम रास्ता शुरू होने के बाद हम लोग उनके पास आना जाना चालू किया, तो लोगों ने फिर बोले देंगे देंगे करते करते ऐसा दिन रखल रहे. उसके बारे में हम लोग फिर आंदोलन किया, इधर उपासन किया है. उसके बाद नागपुर में गए, नागपुर में तुकाराम कादे साहब जो आमदार है हमारे स्थानीय, उन्होंने वो एक दिन का उधर उपासन किया. उसके बाद दखल लेने के बाद वो पुनर्वसन काम चालू किया लोगों ने कि हम पुनर्वसन करेंगे. हमारे जो पांडापुर साइड में ये डेप्यूटी कलेक्टर उस टाइम के मठपति जो अभी नहीं है वो आके गए, उन्होंने जो फॉर्म चालू किया कि हम लोग ये जो फॉर्म है इनके साथ अपना कागज़ पत्र जमा करो, हम जल्द से जल्द आपका पुनर्वसन करें. लेकिन अभी तो कुछ कार्रवाई नहीं. हाँ, तो दो दिन पहले मुझे जो लेटर आया विश्राम पटेल साहब जो समाज विकास के अधिकारी है, उन्होंने पत्र में ऐसा नमूद किया है कि हमारा काम चालू है, अवल तैयार है, लेकिन अवल बनने के 8-8, 9-9 महीने लगता है, तब तो गरीब लोगों ने क्या करना है. बहुत बड़ा प्रश्न है कि लोग बेघर है आजकल, और इसमें एक जो घर के बारे में कि वहाँ पे एक लड़का मर गया है जिसका नाम नितिन भवन माने है, जो घर न मिलने के कारण मरा है. ये दूर से एमएमआरडी की वजह से वही हमारे, तो हमारा एक ही मतलब है जो ऑन रिकॉर्ड है उनका पुनर्वसन चालू करो जल्द से जल्द, और जो बाकी 1100 लोग है उसका निष्कर्षण यादि का महानगर आयुक्त को बोलकर उनको यादि जमा करने के लिए बोलिए. अगर जब तक हमारा इधर से पुनर्वसन होगी तब तक हम आटेंगे नहीं. और हमारी जान को जो भी कुछ इसमें कुछ मर गया कुछ भी हो गया, इसमें मार्ग शासन एमएमआरडी ये जवाबदार रही है. कांग्रेस पार्टी के नसीम खान साहब है, उनका समर्थन मिला है. नवाब मलिक साहब जो राष्ट्रपति पूर्व प्रवक्त है, उन्हें समर्थन किया है, वो भी बोले कि आएंगे करके. और मेगा पार्ट के जो आंदोलन बच्चों के आंदोलन नर्मद आंदोलन बच्चों कार्य करते हैं, वो भी आने वाले हैं 4 बजे तक. वो भी इसमें लोगों का समर्थन मिले. धनंजय मुंडे भी है, धनंजय मुंडे साहब भी आने वाले हैं. राधा विष्णु पाटिल उनको भी निवेदन दिया है, वो भी आने वाले. अबू आदमी साहब जो समाजवादी पार्टी के सर्व महाराष्ट्र के है नेता, वो भी आने वाले है, उन्हें भी समर्थन किया है. ताराबाई शिंदे पांजरापोर रोड रस्त्याच्या प्रकल्पग्रस्त आहे मी पण, आणि स्थानिक कार्यकर्ते आहे. पुनर्वसन 7700 लोकांचं सर्वे झालं होतं. आधीचं सरकार काँग्रेस सरकार तेव्हा त्याने 4500 लोकांचं केलं आहे, तरी 3000 लोकं राहिलेले. काही लोकं नाही आले, काही लोकं निघून गेलेत, काही लोकं गावाला निघून गेलेत. आणि 2012 पोलीस प्रोटेक्शन आणून ते लोकांनी सर्व आम्हाला उद्ध्वस्त केलं. पवार साहेब, राठोड साहेब, जेतपाल आणि कांबळे म्हणून निवेदन दिलं, तुम्ही घरं काढा, आम्ही तुम्ही द्यायची आम्ही तयारी करतो. त्या विषयाला आणखी 5-6 वर्ष झाले, पण आम्ही पाठपुरावा सारखा करतो, पण आमची काय दखल घेत नाही. उडवाउडवीची गोष्ट बोलतात. आणि आमचं आता 904 लोकांचा यादी आतमध्ये पडलेला आहे. हां, त्यांची तर सुरुवात करावं. आणखी 1100 लोकांचा यादी महानगरपालिकामध्ये ते पण आणावं. हां, ते सर्व आमच्या ज्या 2000 लोकांचा मागणी आहे आम्हाला ते करावा. आणि आमच्याकडे सर्व आमच्या स्थानिक लोकांचा सर्व आम्हाला पाठिंबा आहे, पुरावे आहे, सर्वे आहेत. आमचा स्थानिक भाडेकरी राहतात सध्या, म्हणजे कोणी लांब गावाला घेऊन गेलेत, कोणी नातेवाईकडे राहतात, कोणी एका घरामध्ये पोटमाळा बनवून राहतात, कोणी एका घरामध्ये हे बाई आहे तिची मुलगी त्यांच्या घरात राहते, जागा नाही आहे. एवढं एवढंसं दादा दहा बाय दहा कुटुंब त्याच्यामध्ये राहतात, त्यांना काय माहिती आहे. एअर कंडिशन रूममध्ये बसतात, एकेकाला एवढं मोठं आमचं घर नाही, तेवढं त्याचं ऑफिस आहे. अशा ऑफिसमध्ये लोकं राहतात, आम्ही कुठे राहायचं बाप. आमच्या गरीब जनता काय काय पाणी नाही, त्या लोकांना काय नाही, कसं राहणार. आम्हाला घरं पाहिजे. आम्ही आता उपोषण जोवर आम्हाला आमचा न्याय भेटणार नाही तोवर उठणार नाही मी. हरिश्चंद्र यादव इधर भटक रहे हैं. 2003 से लेकर के 2017 चल रहा है. कुछ घर दिया गया, कुछ घर बिना नंबर तोड़े लोग, जो बगैर नंबर तोड़े हैं
उसको 19/4/2012 24/4/2012 को तोड़ करके आश्वासन दिया गया है, इनको मैं एक हफ्ते में दे दूंगा, लेकिन आज तक कोई निर्णय हुआ नहीं। इसके बाद हम लोग नागपुर अधिवेशन में गए, अधिवेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वासन दिए और सही आश्वासन दिए, इधर लोगों फिर बैठाए, प्रकाश मेहता जी आए पांजरापोल में, विश्राम पाटिल बुलाए, विश्राम पाटिल ने 2 महीने का वादा लिया, फिर भी नहीं मिला घर। इसके बाद 1 महीने के बाद मुख्यमंत्री बुलाए, एमआरडीए के अधिकारियों को बुलाने के बाद 1 महीने का वादा दिया गया, फिर भी नहीं हुआ। पालक मंत्री विनोद तावड़े जी को कहा गया, विनोद तावड़े चेतना कॉलेज में सबको बुलाए और 3 मिनट के अंदर माननीय पुनर्वसन अधिकारी ये मठपति साहब इंजीनियर राठौड़ को बुलाए और 3 मिनट के अंदर खत्म किया। बोले इनका 2000 घर एक साथ ही दे दो, आगे पीछे करना नहीं। बोले हाँ साहब दूंगा, हाँ साहब दूंगा। इसके बाद आज तक नहीं हुआ। हम लोग ये जो निर्णय आज लिए हैं, हम लोग बिना घर लिए हटेंगे नहीं, चाहे जो भी अधिकारी हमें हमारे साथ हर पक्ष वाले हैं। मैं समाजवादी से हूँ, मैं अबू हाशिम में लेटर दिया हूँ, नसीम खान में लेटर दिया गया है। तोड़ते टाइम नसीम खान से मेरी बात हुई, इंजीनियर से राठौड़ से बात हुई और 20 मिनट तक बात हुई। 20 मिनट बात करने के बाद बोला हम एक हफ्ते में दे देंगे, लेकिन ये अधिकारी नहीं मान रहे, ये कैसे मानेंगे? इनके बाप का घर है, ये गरीबों का घर है, लोग जाएंगे कहाँ? जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास इतने पैसे नहीं है, भाड़े से नहीं रखते, लोग रोड पर रह रहे हैं, रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे हैं, कुछ लोग चले गए इनकी उम्मीद छोड़ करके, और सभी पक्ष हमारे साथ में, सब आपके साथ तैयार रहेंगे। मतलब सभी को, जितनी पार्टी हम लोग सबको लेटर वर्क किए हैं, और हमारा जब तक हक नहीं मिलेगा हम लोग हटाएंगे नहीं। दुख मुझे इतना है कि वो लोग यहाँ आने तक के पैसे नहीं रहते उनके पास, किसी मुश्किल से इधर उधर से पैसे लेके टिकट के बस के आ जाते हैं तो जाने के लिए नहीं रहता है। ऐसे सब मुश्किलें बर्दाश्त करते हुए ये लोग इतना बर्दाश्त कर रहे हैं, उसमें से कुछ लोग मर भी गए हैं, घर आएगा घर आएगा यही बातें लेके मर भी गए हैं, ऐसा चल रहा है। आज हम ये फैसला लेके बैठे, इससे पहले भी हम 7 दिन उपोषण बैठे थे, जिसमें मैं भी था, अध्यक्ष भी थे, सब थे, जब भी फैसला नहीं हुआ, जब भी आकर तुमको 1 महीने के अंदर मिल जाएगा। इसी तरह सीएम ने भी, सीएम साहब ने भी वादा किया था और पालक मंत्री विनोद तावड़े ने भी वादा किया था 1 महीने का, 1 महीने का, आज तो 5-7 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए अब हम ये लेके बैठे हैं कि सरफरोशी की तमन्ना आज अपने दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना आज अपने दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ये खातिल में है। और देखो तेरे दर पे आए हैं, कुछ करके जाएंगे, झोली भर के जाएंगे या तो मर के जाएंगे, ये निर्णय लेके हम बैठे हैं। जब तक हमें तशफी पक्ष फैसला नहीं मिलेगा हम यहीं मरेंगे, नहीं उठेंगे।